कर्तव्य के दौरान, अपनी ड्यूटी के दौरान कोई भी सिक्योरिटी गार्ड सोने की कोशिश ना करे, चाहे दिन हो चाहे रात हो। मोबाइल का इस्तेमाल, डायमंड इको पार्क के अंदर आपको मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपके घर से फ़ोन आता है बेशक बात करो, लेकिन समय पाँच मिनट लगाओ, ज़्यादा समय मत लगाओ। अगर मोबाइल में व्यस्त रहोगे तो कोई भी घटना या दुर्घटना घट जाएगी। इस बात का ख्याल हमेशा आपको याद रखना है। अपने कर्तव्य के दौरान, अपनी ड्यूटी के दौरान सिक्योरिटी गार्ड हमेशा शेविंग करेगा, हर रोज़ दाढ़ी करेगा, शेविंग करेगा। हेयर कटिंग 15 दिन में एक बार करना है आपको। अपना यूनिफॉर्म, हेयर कटिंग और शेविंग बिल्कुल टकाटक रखना है। डायमंड इको पार्क जो क्षेत्र है बहुत स्टैंडर्ड है और पोच इलाका है और साफ़ सुथरा है, कोई गंदगी नहीं है। इसीलिए यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर या ठेकेदार के आदमी, लेबर, हाउसकीपिंग वाले अंदर बाहर आते जाते हैं तो उनको ये देखना है कि वो विमल गुटखा खा के डायमंड इको पार्क के गेट के अंदर या बाहर, या तो अंदर में या गेट पर कोई थूके ना, कोई बीड़ी या सिगरेट का स्मोकिंग ना करे। आपको पता होना चाहिए कि डायमंड इको पार्क के अंदर सख्त से सख्त मना है। माचिस, बीड़ी, गुटखा, तम्बाकू, लाइटर, सिगरेट, चाकू, छुरी, पिस्टल, रिवॉल्वर, शराब या नशीली वस्तु डायमंड इको पार्क के अंदर ले जाना सख्त से सख्त मना है। इसलिए सिक्योरिटी गार्ड अपने कर्तव्य के दौरान, अपनी ड्यूटी के दौरान कॉन्ट्रैक्टर और ठेकेदार के आदमी, लेबर, हाउसकीपिंग वाले, इनको नॉर्मल चेक करो। इनके पास बैग, थैला, झोला, टिफिन, इसके अंदर कोई भी सामान रह सकता है जो इल्लीगल है, जो डायमंड इको पार्क के अंदर ले जाना सख्त से सख्त मना है। इस बात का ख्याल सिक्योरिटी गार्ड को हमेशा याद रखना चाहिए। अपने कर्तव्य के दौरान, अपनी ड्यूटी के दौरान डायमंड इको पार्क के अंदर गाय, बकरी, भैंस चराना सख्त से सख्त मना है। अगर कोई गाय बकरी चराता है, दिखाई देता है, उसको तुरंत बाहर निकालो और उसको वार्निंग दे दो, सूचना दे दो कि आइंदा दोबारा डायमंड इको पार्क के अंदर नहीं लाना है। अगर कोई नहीं कहता है तो आप मुझे फ़ोन करना, मुझे बुलाना, मैं आऊँगा। लेकिन यह गाय बकरी भैंस नहीं चरा सकता है कोई भी। डायमंड इको पार्क स्टैंडर्ड क्षेत्र है, स्टैंडर्ड एरिया है, इसको हमेशा स्टैंडर्ड रहने दो, अच्छा रहने दो। इसकी सुरक्षा की, डायमंड इको पार्क की सुरक्षा की जवाबदारी ISB सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की है। इसलिए ISB का नाम हमेशा ऊंचा रखो। सिक्योरिटी का डिमांड, सिक्योरिटी का नाम हमेशा ऊंचा रखे, उसको बदनाम होने की कोशिश ना करे। अपने कर्तव्य के दौरान, अपनी ड्यूटी के दौरान सिक्योरिटी गार्ड नम्रता और प्रेम से बात करेगा। किसी से मिस व्यवहार या लड़ी झगड़ा या गाली गलौज या बैसमारी नहीं करेगा। बिल्कुल नम्रता और प्रेम से बात करना है। कोई भी व्यक्ति अपनी ड्यूटी, ईमानदारी, वफादारी, जवाबदारी और अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपनी ड्यूटी को अंजाम देगा। बेईमानी, लापरवाही, निग्लिजेंसी नहीं करना है। अपनी ड्यूटी बिल्कुल ईमानदारी और वफादारी और जवाबदारी से अपने कर्तव्य का पालन आपको हमेशा करना है। अपने कर्तव्य के दौरान, अपनी ड्यूटी के दौरान डायमंड इको पार्क के अंदर आपको हमेशा गश्त लगाते रहना है, चेक करते रहना है।